हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ लाए हैं चना फ्राई। बिल्कुल ढाबे वाली स्टाइल की है। आप इसे रमज़ान में बनाएं या नहीं, आप या नहीं तो आप चाय पीते वक्त शाम में बनाएं। ये बहुत इजी है और टेस्टी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे करीब 250 ग्राम ये चना लिए हैं। आठ दस घंटा ये भीगा हुआ है और ये थोड़ा सा बॉयल हुआ है। आप इसे कुकर में रख के पानी डाल देंगे और जब एक सीटी दे दे कुकर, आप गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून रेड चिल्ली लेंगे। और फिर हम 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1/3 टीस्पून फूड कलर ऐड कर देंगे। फूड कलर डालने से इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। और फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। ये डालने से बहुत अच्छा ये होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें हम 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। इसी तरह हम बाकी का फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा लहसुन ले लेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर देंगे। और इसको हम ढक्कन से ढक देंगे क्योंकि ये बहुत छिटकता है, आपके ऊपर तेल भी छिटक सकता है। इसीलिए हम इसको ढक देंगे, 2-3 मिनट के लिए रहने देंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमारा चना फ्राई रेडी है।